गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग दो मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे। वह है नंबर वन, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नंबर टू, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इलेक्ट्रॉन, नंबर टू प्रोटॉन, नंबर थ्री न्यूट्रॉन। तो आइए हम आज सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वेयर डिस्कवर्ड बाय सर जे जे थॉम्सन इन 1897। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने दो मेटल इलेक्ट्रोड को यूज किया। एक इलेक्ट्रोड को कहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड और दूसरे को लेंगे हम एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उन्होंने इसमें गैस को फिल्ड किया और उसका जिसका प्रेशर उन्होंने रखा, प्रेशर बहुत ही लो रखा, वो है 10^-2 mmHg मरकरी। इस लो प्रेशर पर उन्होंने अ करंट ऑफ 10,000 volt, वेरी हाई वोल्टेज 10,000 volt को पास करवाया। ही ऑब्जर्व दैट some invisible radiations were produced from cathode and that strikes on the wall of discharge tube. This side of discharge tube is coated with fluorescent material, that is a zinc sulfide, and when radiation strike on this surface, then bright spot were produced. उन्होंने इस रेडिएशन, इस इनविजिबल रेडिएशन का नाम कैथोड दे दिया, बिकॉज दिस इनविजिबल रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड, देयरफॉर दिस रेडिएशंस वेयर नेम्ड एज कैथोड रेस। उन्होंने इस कैथोड रे का प्रॉपर्टी को स्टडी किया और उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया कि दिस कैथोड रेज वेयर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल्स वेयर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। Properties of cathode rays. Number one, cathode rays emits from cathode and move towards anode and strike on the surface of glass tube. नंबर वन। नंबर टू, यानी इमिट्स फ्रॉम कैथोड। नंबर टू, दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
and electric field. Third, when a light paddle wheel is placed in the path of invisible rays, then this light paddle wheel moves. Therefore, it is concluded that cathode ray is made up of the particles that particles have mass and kinetic energy. Mass and kinetic energy. Fourth, properties. Cathode rays are invisible and it deflected towards positive pole. Positive pole of applied electric field. Cathode rays were deflected towards positive pole of applied electric field. It means cathode rays were made up of negatively charged particles and that particles were named electrons. Negatively charged particles called electron. Fifth, cathode ray ionizes the gas filled in tube. अब इसको देखिए, सपोज कीजिए कि इसमें हम हाइड्रोजन गैस को रखे हैं, तो जैसे हम करंट को फ्लो करवाएंगे दैट ब्रेक्स इनटू एटम्स एंड दिस हाइड्रोजन एटम्स ऑन अप्लाइंग करंट electron eject from this cathode and this electron strike this hydrogen atom and this hydrogen atom converted into positively charged ion by loss of electron. Since there is two hydrogen atom, therefore two electrons are removed. Hence, this electron travels along with this electron in the form of cathode rays. And in this way, we can see that cathode ray is made up of negatively charged particles because this cathode ray deflected towards positive pole of applied electric field. Now, on the basis of this experiment, it is concluded that cathode ray is made up of negatively charged particles, that is electron. Now, this experiment were done by filling different gas इन डिस्चार्ज ट्यूब, यानी यदि हम डिफरेंट गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल्ड करके और सेम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ऐसा देखा गया कि प्रत्येक बार यानी जिस भी गैस को हम भरें आइदर हाइड्रोजन हीलियम नियॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एनीवेयर जिस गैस को भी हम भरेंगे
फील्ड करेंगे और करंट को पास करवाएंगे, तो प्रत्येक केस में हम यही देखते हैं कि जो कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज हम अभी स्टडी किए थे, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे रिमेंस सेम, आइदर वी फील्ड एनी गैस और एनी मटेरियल्स ऑफ कैथोड, यानी हम कैथोड का जो मेटल है वो मेटल को भी चेंज करें तो, या तो हम इसमें जो गैस रखें वो गैस को हम चेंज करें तो, लेकिन प्रत्येक केस में जो इनविजिबल रे, जो कैथोड रे निकल रहा है, इमिट हो रहा है, उस कैथोड रे की सारी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगी। इसका मतलब इट मीन्स कैथोड रेज, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन कैथोड रेज इज फंडामेंटल पार्टिकल, इज फंडामेंटल पार्टिकल, इज फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि ये सभी गैस में प्रेजेंट है और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो सभी गैस में सेम है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ मटेरियल्स टेकन एज कैथोड। थैंक यू। अगले दिन हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ E/M रेशियो।